है महिमा, ताला तोड़ रहे हैं अपने रूम का, सफाई अभियान। मुझे याद करोगे कि नहीं? क्यों बताओ? चट्टू बेबी, हाँ बेटू, तुसी जा रहे हो? जा रहा हूँ। तुसी ना जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? देखो हम रिजल्ट लाए थे हम कॉलेज से। सहूर दिखा रहे हैं तुम्हारा। ये वाला बैग निकाल के रख लेते हैं, ये वाला अंदर पूरा रख लेते हैं। तुम्हारा बैग इसमें है क्या? क्या जरूरत थोड़ी पड़ेगी? अरे लगेगा यार। क्या करोगी पैसे का? उड़ाते हुए चलेंगे। उड़ाते हुए चलोगे? ऐसे मैं पैसा पैसा करती हूँ। कल जब डीडी मिल गई थी, कल बैग में लेके आए थे ना, संदीप भैया कह रहे हैं ये पता क्या है। मैंने कहा हाँ डीडी है, मैं बड़ा सीरियस थी है ना, कह रहे हैं सीरियस होके ये पैसे हैं। ये देखो, ये हमारी फ्रेंड है महिमा। हेलो। और ये मानसी दीदी हैं। ये महिमा हमसे मिलने आई हैं वुमेन्स हॉस्टल के बाहर। उनको भगा दिया इन्होंने, जिनको एंट्री नहीं मिल रही है। इनको एंट्री नहीं मिल रही है, अंकल जी ने भगा दिया। इसको भी नहीं मिल रही थी, बट थोड़ा जुगाड़ से हमने करवा लिया एंट्री। जुगाड़ लगा लिया। बोलिए कि कल आना, वीआईपी एंट्री दिलवाएंगे। कल आना तुम, वीआईपी एंट्री दिलवाएंगे, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, है ना, चलते हैं, बाय। फाइनली अब 2 साल बाद हमारे हॉस्टल्स खुल गए हैं, हमारा कॉलेज खुल गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल में अपना सामान शिफ्ट करने। देखते हैं 2 साल बाद हमारे हॉस्टल, देखिए कितना गंदगी हो गई है यहाँ पे। 2 साल बाद पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है हॉस्टल्स का, इतना गंदगी है यहाँ पे। ये देखिए अब सफाई होगी, अब खुले हैं हॉस्टल्स, जाएंगे अपने रूम में, देखेंगे हमारे रूम की हालत क्या हुई है। 2 साल हो गए हैं रूम को बंद। जाएंगे सफाई करेंगे और सारा सामान सेट करेंगे, फिर यहीं पे रहना है। अब दिखाते हैं आपको 2 साल बाद क्या कंडीशन हुई होगी हमारे रूम। होली के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तब छोड़ के गए थे यहाँ पे सारा सामान। अब जाएंगे सेट करें। मेरी मानसी दीदी खड़ी है सारा सामान मेरा लेके। ये देखो मानसी दी, हाय। ये देखो सारा सामान लेके खड़ी है। क्या बना रही हो? स्नैपचैट का बना रही हो क्या? ये पता है मेरे फनी वीडियोस बनाती रहती हूँ स्नैपचैट के। चलो काम हो गया क्या? अभी मेन काम तो बाकी है। हाइजीन की अम्मा अपने साथ लाई हूँ और ये मेरा आज रूम सेट करवाएंगी। और 2 साल बाद जो कबाड़ा हुआ है रूम का वो तो मुझे पता है, आइडिया लग रहा है, इसीलिए हाइजीन की अम्मा को लाई हूँ साथ। अरे यार देखो अंदर क्या मिलता है। देखो अंदर क्या मिलता है, बड़े बड़े चूहे मिलेंगे। गंदगी नहीं जाए, तोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं कोशिश करो, ये खुल जाए यार। यार नहीं खुल रहा है, लाओ मैं। सच में नहीं खुल रहा यार। तो नौटंकी हो गया। नौटंकी तो मैं हूँ, कहती हूँ नौटंकी है पूरी। अरे खुल जा, तुड़वाए कोड़े के साथ। नहीं यार खोलो, मैं आपका ताला खुल गया था क्या? दीपावली में आया था तो खुल गया था, आज नहीं खुल रहा है। ताले की भी हालत खराब हो गई दीदी, नया ताला था। ताला तोड़ रही है मेरे रूम का। ताला भी सोच रहा होगा मैं किसके रूम में लगाऊं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। 1, 2, 3 Oh my God! ये देखो यार, बैठने की जगह तक नहीं है जरा सी भी। खैर, हाइजीन की अम्मा
चलिए चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगा? ये क्या है? ये छिछिया है। अंकिता, अगर तुम ये वीडियो देख रही होगी तो तुम्हारी हरकत है। ड्राई फ्रूट्स कैसे छोड़ के गई, एकदम गंदा हो गया। छी यार, बहुत गंदा है रूम यार। ये देखो, ये चाय पिया हुआ कप है, है ना? अभी भी, हाँ, 2 साल पहले का ये है, अभी भी रखा हुआ है। ये देखो, ये सब खाए थे, कुरकुरे वुरकुरे खा के गए थे दीपावली में, गए थे ना। ये देखो, कीड़े लग गए क्या यार। ये देखो, पीनट बटर है अंकिता का। ये देखो, पढ़ाई करते थे मेरी बुक्स, ये स्पाइरल्स है और कुछ दिखाने। हाँ, ये दिखाओ। ये देखो, ये किसमिस है, 2 साल पुरानी किसमिस। क्या हाल हुआ है इनका, रूम की हालत तो बहुत ही खराब है यार। देखो स्टडी टेबल की हालत, देखो क्या हो गई है। बैग कैसे पड़ा है, इसमें बुक्स वुक्स सब पड़ी है। देखो कितना गंदा हालत हो गई, और नया बैग था ये। मानसी दी, मेरे रूम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? बेचारी ने मास्क भी नहीं हटाया, ये हाइजीन की अम्मा है, इनको हाइजीन की अम्मा। मैं जाएंगे, अपनी बाल्टी जमीन में नहीं रखती है, बेड का भी रखती है, इतना ही हाइजीन। देखो, हमने ये पूरा बनाया था ना, क्या कहते हैं इसे, कोलाज बनाया था, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये पूरा, इसकी हालत ही खराब हो गई। मैं पिछली बार आई थी, सारी फोटोज की हालत खराब हो गई, तो मैं ले गई थी उठा के। ये देखो, सब डबल साइड टेप लगे हुए हैं, डेकोरेशन वगैरह किया था, सब सब हालत एकदम पंचर हो गई है यार। पंखा तो बेचारा कह रहा होगा कि किसके रूम में मैं टंगा हूँ, किस हॉस्टल में मैं टंगा हूँ, बेचारे को यूज ही नहीं कर रहे हैं। एलेक्सा है, एलेक्सा की हालत खराब हो गई, देखो। चलेगा? चलेगा ही नहीं। क्यों? गर्दा इसके अंदर बैठ गई होगी। ये देखो, ये फोटो है, वही कोलाज वाली। किसके साथ वाली है? वेदिका के साथ वाली फोटो है शायद। ये देखो, वेदिका के साथ। ये मेमोरीज है, मेमोरीज। देखो दीदी, कॉलेज में फोटो यहाँ पे पूरा ऐसे वो बनाए थे, पूरा कोलाज, सब फोटो वोटो सब खराब हुए हैं, मेहनत पूरी खराब। ठीक है, डिफरेंस देखिए आप यहाँ का और यहाँ का। ये कबर्ड की हालत है। ये सब आए थे तो रख के गए थे, इसमें टोस रखा है, हालत देखो खस्ता हो गई है टोस की भी, बेचारे। ये देखो, इसमें छुहारे रखे थे, वो भी सड़ गए होंगे, गल गए होंगे। केचप वगैरह सब रखा है। इसमें क्या है? इसमें अचार घर से लाए थे, 2 साल पुराना अचार, ये भी खराब हो गया होगा ना। चने, चने की हालत देखो क्या हो गई है। ये देखो, गर्दा मच गई है इसके अंदर। अरे यार, सब खराब हो गया है। देखो कप वप सब रखा। अरे यार देखो, घुन। अरे यार छी, कीड़े चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, कीड़े। हाय जानवर, जानवर मेरे कबर्ड में क्या कर रहे हो? अरे यार, सब गंदगी मच गई है। ये देखो, नीचे वालों की क्या हालत हो गई है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले मैं लिखेंगे, चेंज करते हैं यार। हाँ यार, चेंज करते हैं, उसके बाद में सफाई करना स्टार्ट। 4 दिन तक सफाई करते रहेंगे, मुझे यही लग रहा है। अभी तो अभी ऊपर ऊपर सफाई कर लेते हैं, अंदर अंदर का तो बाद में कर लेंगे। मतलब अंदर अंदर कर लेते, ऊपर ऊपर का बाद में आना। ये वाला, ये गर्दा वाला, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। अभी आंटी आएंगे ना, आंटी से भी थोड़ा साफ करवा लेंगे, है ना। चलो फिर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सफाई करना। अभी हम पानी भरने जा रहे हैं वाटर में, देखते हैं वाटर कूलर यहाँ का चल भी रहा है या नहीं। चल रहा है, देखो कितना गंदा, गंदगी मची हुई है यहाँ पे। अरे यार, 2 साल बाद किसी भी चीज़ों की कंडीशन ऐसी। झाड़ू कहाँ है? अरे यार, झाड़ू नहीं लाई मैं, जाओ। पानी बड़ी मुश्किल से मिला है, जो जरूरी था वो तो भूल गई। झाड़ू लाना यार। लो पानी पी लो पहले। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। झाड़ू लगाएंगे, अंदर चलो। बड़ी ऊपरी आज सब खराब होने वाली है, पता है आपको? कपड़ा दो बे, कपड़ा दो।
जीना है। अरे यार सफाई करनी है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. हाँ तो अभी खाना साफ हो गया है, सफाई हो गई है. हाँ तो अभी हाँ तो अभी सफाई सारी हो गई है रूम की और सेटअप करना बाकी है. जैसा कि आप पीछे देख सकते होंगे क्लीन प्लीन हो गई है हमारी मानसी मैम. और जब मैं सीरियस होकर कुछ बोलती हूँ तो इनका हंसी आ जाती है क्योंकि सीरियस कभी कुछ किसी बात को लेकर सीरियस होगी तो. अरे यार ऐसे मत बोलो यार. मैं बहुत सीरियस रहती हूँ. नहीं यार उसको लेकर सीरियस हूँ. उसको कौन है वो ये तो मत ही पूछो. पता है क्या कोई? चलो अच्छा खाना खाने बता रहे है क्या कोई? वही है. बताओ यार इतने दिन मेरे साथ रही इतना भी निकाल पाई तुम. बताया तुमने कभी? नहीं चलो चलते हैं अभी. क्या खाने चलना है ये बताओ. चाय पियेंगे और मोमोज खाएंगे. एग रोल खा लेना. एग रोल क्या खाएंगे? बैंक रोड का एग रोल बहुत बहुत अच्छा है, मिलता है. बैंक रोड का एग रोल खाएंगे. बैंक रोड में मोमोज खाएंगे. लल्ला चुंगी की चाय पियेंगे. अरे यार पता है लॉन्ड्री के पीछे देख रहे हैं आप कपड़े, ये लॉन्ड्री में देने थे बट यहाँ की लॉन्ड्री हमें पता नहीं है कहाँ पे है तो पूछा है. अब देखो पता चलेगा एक दो दिन में तब देंगे जाके. और बाकी तो देखिए साफ सफाई हो गई है. बैठने लायक कर लिया है सब. बैठने लायक जगह हो गई है बस. देखिए आप मानसी दी आप हमें मिस करोगे? ये मुझे हमेशा चट्टू मारती रहती है. पता नहीं क्या मैंने गुनाह किया है ऐसा. चलो चलते हैं खाने ना. बहुत तेज जूता पहन रहे हैं. चलो चले स्कूल. बाय बाय गाइस. मिलते हैं बाहर जा रहे हैं मोमोज खाने. मोमोज खाते हुए मिलते हैं आपसे. यो मैं फोन कर दूंगी. नंबर है मेरा.
मेरे YouTube चैनल को हैक करो पहले। मेरा YouTube चैनल है, मैं आपको भेज दूंगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे मुझे फोन कर दो यार इससे ताकि मैं सेव कर लूं। भाई अभी रुको। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. The... Okay, start नहीं हुआ है, अभी कोई इससे ज़्यादा बच्चे नहीं आए, इसलिए start नहीं हुआ है, तो दूसरे hostel में जाके हमें खाना खाना होता है, और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, काफी time spent किया है हमने हमने दोस्तों के साथ mess में बैठ के, benches में बैठ के, फिर से चलते हैं अभी बाहर कुछ खाने, क्योंकि मैं सुबह नहीं है और लंच का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है, तो चलते हैं। चलिए वहां से दिखाइए। मुझे याद करोगी कि नहीं? क्यों बताओ? बता दो। बहुत याद करूंगी यार, अब बताने वाली चीज थोड़ी है। और मतलबी मोहब्बत को? मतलबी मोहब्बत तो आप हाँ मेरी हाँ उसको तो याद करूंगी। ये हमारी विनीता दीदी है, विनीता दीदी से हाय टू माय यूट्यूब चैनल। हाय। काफी सपोर्टिव दीदी हैं। हां ट्राई कर रहे हैं। हम देख नहीं पाते ना, तो फिर ऐसे नहीं लगते यार। कोई नहीं, एलर्जी वाले लोग वैसे भी बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, और खासकर आपका लास्ट ईयर है तो आप तो वैसे भी काफी इंटर्नशिप भी हो रही थी ना, तो वैसे कोई ना दीदी, कल से हम भी रहने आ रहे हैं, आज तो बस साफ सफाई करने आए थे। अंकिता उपाध्याय फर्स्ट ईयर तो लगा, मतलब जब हम थे तब का लगा। अभी विनीता जी, अभी 10-12 लोग आए होंगे ना हम आपको मिला के? मुझे तो गिने चुने लग रहे हैं। थे पहले कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए डेली आते थे। कुल्हड़ चाय यो, यहाँ ये देखिए एरिया, ये लल्ला चुंगी का एरिया है। यहाँ पे हम लोग पहले जब यहाँ पे रहते थे डेली शाम को चाय पीने आते रहते थे, और कुछ खरीदना उरना होता था तो तब भी आते थे। यहाँ पे हम पहले डेली आते थे और एग रोल और मोमोज हमेशा खाते थे। एग रोल का ठेला तो ये वाला है शायद, इसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इन भैया से हम डेली ले जाते थे मोमोज खाने के लिए, बहुत अच्छे बनाते हैं ये भैया। ये बैंक रोड में है ये स्टॉल, काफ़ी अच्छा बनाते हैं मोमोज। और मानसी दी ऑर्डर कर दिया? कौन सा वाला किया है? पनीर। चलो बढ़िया ही बनाएंगे, खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। हम लोग पगला रहे हैं रिक्शा में बैठे हुए। एंटरटेनमेंट वाले भैया मिले हैं, एंटरटेनमेंट वाले भैया मिले हैं, एंटरटेनमेंट वाले भैया मिले हैं। अभी हम लोग खा पी लिए हैं, बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, और अब जाते हैं घर की ओर। नहाएंगे फिर सोएंगे, नहाएंगे फिर सोएंगे। आज पूरा दिन सफाई में लगे रहे हैं, सफाई अभियान चलता रहा है, बहुत थक वक गए हैं। अब जाएंगे घर पे, नहाएंगे फिर सो जाएंगे,
और बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. बाय.